यहाँ भैरव भैया लगा रहे हैं लाइट्स। अच्छा मैंने डरा दिया, सॉरी। सो हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रमजान की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं, क्योंकि इंशाल्लाह आज रात को चांद रात है एंड बस कल पहला रोज़ा और कल से रमज़ान का जो महीना है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइट्स लगना, और इस बार हम कुछ एक वो लैम्प टाइप लगाने की सोच रहे हैं। देखते हैं भैरव भैया क्या जुगाड़ करते हैं, उसे उसकी हुक्स हम कहाँ कैसे लगा पाते हैं। और फिलहाल हम जा रहे हैं नीचे, तो फिर देखते हैं शाम में थोड़ा बाहर भी निकलेंगे अगर रूहान का मूड सही हुआ तो। मैं जा रही हूँ ऊपर टेरेस पे, रूहान जो है सो रहा है। मैंने सोचा था अगर वो जगह होगी तो मैं उसे भी लेके जाऊँगी। शुएब का फोन आया कि चांद दिख गया है, तो मैं जा रही हूँ चांद देखने के लिए एंड शुएब ऑलरेडी ऊपर है, रूहान सो रहा है, तो मैं उसे भी लेके। माशाल्लाह, ये रहा रमजान के महीने का चांद। आप सबको चांद मुबारक, रमजान मुबारक। आ गई हूँ मैं मार्केट रमजान की थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। काफी तैयारी इस बार नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग बाहर थे। तो अभी रूहान जो है काफी देर तक सो रहा था, उसके बाद वो उठ गया, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं और थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, है ना रूहान? चलो आप बैठो, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें लेके आती हूँ। शुरुआत की है मैंने हमारे यहाँ बेकरी, यहाँ के बेकरी से। इतने साल हो गए हैं, ये एक रिचुअल हो गया है कि रोज़ा हो घर में, रमज़ान जैसे ही शुरू होते हैं यहाँ से ज़रूर ज़रूर जो यहाँ के बंस हैं वो जाते हैं। मतलब ऐसे कुछ अधूरा लगता है अगर रमज़ानों में यहाँ का बन ना हो। आपको रमज़ान मुबारक, चांद मुबारक, चांद मुबारक। चलो डन, बेकरी शॉपिंग। और दूसरी चीज़ फेनिया, जो सबको बहुत पसंद है, नीचे के घर पे सिकी हुई भी पसंद है, तो इसलिए मैं दोनों तरीके की ले रही हूँ। मैं ले लिया है, लेकिन यहाँ पे एक और शॉप है जहाँ पे स्वीट्स भी बहुत अच्छी लग रही हैं और फेनिया भी बहुत अच्छी लग रही हैं, तो मैं यहाँ से भी थोड़ी ले रही हूँ। दोनों टेस्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, तो ज़्यादा अच्छी लगेगी फिर नेक्स्ट टाइम वहीं से लेंगे। और ये वो साई टुकड़ा, मलाई साई टुकड़ा है। अच्छा, ये दो अलग अलग टाइप के हैं। सो इस शॉप पे मैं आई और यहाँ पे स्वीट्स बहुत अमेजिंग लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी ले ली सब लोगों के लिए। और देखिए यहाँ पे जो डेकोर किया है इन लोगों ने वो भी बहुत ही बढ़िया है। और अब चलते हैं मेरी फेवरेट चीज़, मेहंदी का कोन लेने के लिए। अब मैं शॉपिंग करने आई हूँ और शोएब के लिए कुछ ना लूँ ऐसा हो नहीं सकता, तो उनके लिए कुछ स्कार्फ्स ले रही हूँ, अलग अलग कलर के। जो कलर उनके पास नहीं है वो ढूंढ ढूंढ के मैं ले रही हूँ। तो ये हो गए स्कार्फ, ये हो गए मेरे कोन, और अब मुझे लेनी थी दो नई जानमाज। घर पे है वैसे, लेकिन मैंने सोचा कि नया नमाज रूम बना है और रमज़ान का पाक महीना शुरू हुआ है, तो दो नई ले लेती हूँ। और ये मुझे कुछ अट्रैक्टिव से ना मेहंदी के स्टिकर्स दिखे, तो ये भी मैंने ले लिए। अच्छा बना है? बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद आपके लिए वैरायटी ऑफ स्वीट्स है। स्वीट्स नहीं, क्या क्या ले आई? अरे आज चांद रात है, कल इंशाल्लाह पहला रोजा होगा, आज तो मुंह मीठा करना बनता है। शुएब, क्या क्या है वैरायटीज? आप खाओ, फिर आपको सजा के बकायदा दिखाएंगे। तब तक हम करेंगे सवारी। चलिए बताइए क्या खाएंगे, ये शाही टुकड़ा, रबड़ी, ये फिरनी, और ये उन्होंने मालपुआ अपनी तरफ से दे दिया। मालपुआ तो मैंने, आपको पसंद नहीं है? हाँ, ये ट्राई करूं। कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था वो मुझे, तो मैं ले आई। नाइस, अच्छा टेस्ट। चलो खाना पीना हो गया, सब हो गया। अब देखो मैं आज क्या क्या लेके आई। ये लो,
ये कलर्स आपके पास मुझे शायद लगता है नहीं है, ग्रीन है, ग्रीन है, बट डिजाइन है सर। हाँ तो मुझे अच्छे लगे तो मैं ये ले आई। उसको भी अच्छे लगे, तुम्हें भी अच्छे लगे, ठीक है, है ना। और ये ब्लैक प्लेन मिला तो मैंने दो ले लिए। ब्लैक प्लेन तो आपके काम आएंगे ही, ब्लैक प्लेन नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते, इसलिए इस बार उनके लिए, उनके पास थे तो मैं बोले ये तो दो दे दो आप। और ये दो मैं अगरबत्ती लेके आई हूँ। हाँ क्यों? वो रमजान में घर में चलेगी तो स्मेल बड़ी अच्छी लगती है ना, पूरा फील आता है कि ऐसे रमजान का महीना चल रहा है। ये एक ऊद है और एक बखूर अगरबत्ती है। हाँ आपसे भी कर रहे हैं बात। एक ऊद है, एक बखूर है, इनको मिल गया, वही इनको मिल गया ब्लैक स्कार्फ, अब इनको कुछ नहीं चाहिए। और वैसे तो अपने पास जानमाज है पर नया रूम बना है तो मैंने सोचा कि दो और नई ले लेती हूँ। और मुझे ये दो कलर्स बहुत अच्छे लगे तो एक ये कलर लिया और एक ये कलर लिया। अच्छी है ना, तो हो गया है अगला दिन और यानी कि आज है पहला रोज़ा। और आज सुबह से इतने ज़्यादा बिजी थे, इतने टाइड अप थे ना कि सुबह से कुछ भी शूट नहीं हो पाया। और अब बस जल्दी इफ्तार का वक्त होने वाला है इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं। वैसे आपको ये देखिए, ये सब दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बहुत करेक्शन का काम चल रहा है। बेसिकली हमने जब पेंट करवाया था ना तो उसके बाद इन सब जगहों पे थोड़े थोड़े क्रैक्स आ रहे थे, तो एक दो बार वो भैया ने आगे ठीक किया लेकिन पता नहीं वो वापस से क्रैक हो रहा है। तो इस बार हमने अपने पुराने वाले भैया को बुलाया है, अब वो उसे कर रहे हैं, तो आई होप इस बार जो है ठीक हो जाए। और ये देखो ये पीछे एज यूजुअल शोएब की रेहान फोटोग्राफी कर रहा है। और आज मैंने इसी वजह से मैंने ब्लॉग बनाया नहीं है क्योंकि आज सुबह से सैरी पे नहीं हो पाया शूट, क्योंकि अभी इस बार चीज़ें जो है वो काफ़ी चेंज है रुमान की वजह से। तो सहरी में वो सो रहा था, दीपिका उठी चुपके चुपके से, उसने मुझे सहरी बनाई और फिर वो भी सो गई, तो फिर मैंने शूट नहीं कर पाया। देन उसके बाद जब उठा तो ये सब काम था, दीपिका से बोले अरे शाम को 4-5 बजे तक एटलीस्ट उससे बोल के चले जाए, फिर कल भले 1 घंटे जल्दी आ जाए। तो ये पिछले 2-3 महीने से क्रैक्स इसमें आ रहे थे तो मैंने कहा अभी करवा देते हैं। इससे पहले 2-3 बार उन्हें जैसे दीपिका ने बोला करवाया लेकिन फिर वो नहीं हो पाया, तो वापस पुराने वाले मुझे बुलाया। पता नहीं क्यों क्रैक्स आए, किस वजह से आए, पता नहीं, शायद पी ओ पी वगैरह करके फिर उसे पूरा वो पेंट कर रहे हैं वो। तो यस मैं नहीं ब्लॉग बना पाया, तो आज छुट्टी जाएगा, आज का पूरा फर्स्ट डे का वो दीपिका के इसमें जाएगा। तो चलिए फिलहाल बहुत लेट हो रहा है, आप अपनी फोटो खिंचाओ और हम चलते हैं किचन में। कल आप लोगों ने देखा कि मैं वो बखूर और ऊद वाली अगरबत्ती लेके आई थी जलाने के लिए, तो मैंने आज धर्म दादा को बोला कि दादा मुझे अगरबत्ती का स्टैंड ला के देना। तो देखो मेरे कितनी वैरायटी लेके आए, ये सारी वैरायटी आई है और ये मुझे सबसे अच्छा लगा, ये हमारी नमाज रूम में रखा हुआ अच्छा भी लगेगा, है ना। पर इसमें पूरी अगरबत्ती आ जाएगी ना, तो जो उसके नहीं आपको जितना जलाना है उसका राग जो होगा उसी में रहेगा। अरे अंदर है स्टैंड, मेरे को लग रहा है स्कूल में जाएगी, यहाँ नहीं अगरबत्ती जाएगी। ये खोलो, हाँ यहाँ अगरबत्ती लगेगी और ये आएगा तो इसमें से इन स्टार्स में से धुआं निकलेगा और जो भी राख होगी जो भी होगा सब उसके अंदर ही गिरेगा, सही है। छोटा भी तो हो सकता है, मान लो शोएब आपको समझ नहीं आया। अब उसी में से कोई पसंद करेंगे देखना। सबसे छोटा सही है वाला। हाँ ये अच्छा ये फाइनल। आज मुझे कुछ ज्यादा बनाना है नहीं, सब कुछ जो है नीचे अम्मी ने रेडी कर लिया है। मैंने पूछा, अभी कॉल किया मैंने, मैं पूछा मम्मी मुझे कुछ करना है, बोला नहीं हमने सब बना लिया है। तो मैं जो है सिर्फ शरबत रेडी कर रही हूँ। That's it.
चलो पापा हम पहली तारीख के लिए रेडी हैं। उसकी सलवार छोटी हो गई शोएब, उसको सलवार छोटी हो गई आपको। अरे आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो, हैं बड़े अच्छे लग रहे हो। हाँ अच्छा चल, अभी इसको भूख लगी, चलो चलो इफ्तार में सबके साथ खाए खाए करेंगे। और फिर हम आ गए नीचे, यहाँ पे सब एक साथ मिलके हम लोग जो है इफ्तार की प्लेट्स रेडी कर रहे थे। हो गया इफ्तार का वक्त और इस तरीके से साथ में बैठ के इफ्तार करने का जो सुकून है वो अलग ही है। और हमारे रूहान का पहला इफ्तार, अल्लाह करे आप सबकी सारी जायज़ मुराद पूरी हो, दुआएं कबूल हो, सबके रोज़े भी कबूल हो। हम सब खा रहे थे इफ्तार और मैं रूहान का खाना बना के लेके गई थी, तो रूहान इन्जॉय कर रहा था अपना खाना। सो आगे हम लोग ऊपर, रूहान ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया सबके साथ बैठ के। आई थिंक वो बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए कि सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, सबकी प्लेट्स में देख रहा है, अपना खाना इन्जॉय कर रहा है। तो इट वाज़ अ लॉट ऑफ फन और अभी भी वो मस्त अंदर मस्ती करने में लगा हुआ है और मैं पी रही हूँ अपनी चाय। एंड दैट्स इट, पहला रोज़ा हो गया, दिन निकल भी गया इस तरीके से और ऐसे ही दिन उड़ जाते हैं, नहीं पता भी नहीं चलता। तो चलिए ये व्लॉग मैं आज यहाँ पे एंड कर रही हूँ और बहुत जल्द मिलेंगे अगले व्लॉग में। और रमज़ान का महीना है तो कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि रमज़ान के महीने में कुकिंग का एक अलग ही मज़ा आता है ना। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल गाइज़।